अजित पवार यांच्या वाढदिवसाचे औचित्य साधून नवी मुंबई राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी आणि मुंबई रत्न पुरस्काराने गौरवण्यात आलेले सलीम सागर यांच्या हस्ते नवी मुंबईतील गोरगरीब जनतेला अन्नधान्य वाटप करण्यात आले. राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष अल्पसंख्यक विभागाचे नवी मुंबई अध्यक्ष सुलतान मालदार यांच्या सहाय्याने या कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात आले होते. या कार्यक्रमाला प्रमुख अतिथी म्हणून महाराष्ट्र राज्य विभागाचे सेक्रेटरी रशीद खान, नवी मुंबई उपाध्यक्ष जावेद खान, समाजसेविका परवीन शहा, नवी मुंबई राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे जिल्हा सरचिटणीस अजित सावंत, सनी वाली, अब्दुल अहमद शेख, रशीद उर्फी सागर वालिका, अनिस रजा खान, कासिम सिद्दीकी आदी मान्यवर उपस्थित होते. या कार्यक्रमाला महिला एनजीओ यांनीही हजेरी लावली होती. कोरोनामुळे सामान्य जनतेचे हाल होत आहेत, अशा सर्व नागरिकांना सलीम सारंग यांच्या माध्यमातून मदतीचा हात दिला जात आहे. या कार्यक्रमाला शेकडो नागरिकांनी उपस्थित राहून अन्नधान्याचा स्वीकार करत राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी आणि सलीम सारंग यांच्या कार्याचे कौतुक केले. अजित पवार यांच्या वाढदिवसानिमित्त कोणत्याही प्रकारची आतिषबाजी न करता गोरगरिबांना मदत व्हावी म्हणून आम्ही अशा प्रकारचे कार्यक्रम घेत आहोत, यापुढेही लोककल्याणासाठी काम करत राहू, असे सलीम सारंग यांनी सांगितले. वितरण करणे का इसमें दो मकसद, तो एक तो कल हमारे लीडर अजित दादा का बर्थडे था, तो उनका इंस्ट्रक्शन था कि बैनरों में इसमें पैसे वेस्ट ना किया जाए, उसमें वेस्ट होता है, वो लोगों के कुछ काम नहीं आता, तो उसकी जगह पे हमने लोगों को अनाज बांटा है. अब अनाज बांटने के इसके लिए ये प्लेटफॉर्म तो माइनॉरिटी का है, लेकिन ये काम जो लोगों को जो भूख लगती है वो उसका माइनॉरिटी से कोई कंसर्न नहीं है, भूखों का कोई मजहब नहीं होता है. तो हमारा मकसद यही था कि हम लोगों के लिए ये अनाज बांटे और हमारे ऑपोजिशन भी हमारे को देख के इसके दुगना काम करे, तो कहीं ना कहीं ये लोगों को बेनिफिट होनी चाहिए. और लोगों की दुआ से मुझे भारत रत्न मुंबई रत्न का अवार्ड मिला है, ये लोगों की दुआ से कि मैं लोगों के लिए अनाज का बांटने का काम पिछले 5-6 महीने से लगातार कर रहा हूँ. अब मैंने लगभग 8 से 9 हज़ार घरों को राशन बांटा हूँ, लेकिन ये राशन बांटने में मैंने ये एक चीज़ नोटिस किया कि इसमें हम हमेशा सोचते कि लोअर इनकम ग्रुप वाले लोगों को ही अनाज की ज़रूरत होती है, लेकिन इस बार मैंने देखा हूँ कि मीडियम क्लास के भी कुछ अच्छे पोस्ट पे काम करने वाले लोगों को भी इस लॉकडाउन में काफ़ी मार पड़ी है, वो लोग शर्म के मारे मांग नहीं सक रहे थे अनाज. तो इसलिए हम लोग ने एक इनिशिएट किया कि उनको बोला था कि हमको फेसबुक से, ट्विटर से या प्राइवेट मैसेजेस करो. इतने सारे मैसेजेस आए कि ये जो अनाज बांट रहे इससे कई ज़्यादा गुना हम अनाज लोगों को बिना आप लोगों के पब्लिसिटी किए हुए बांट चुके हैं, क्योंकि उनका फेस हम आप लोगों के सामने ला नहीं सकते, क्योंकि वो लोगों को शर्म आती है कि वो अच्छे फैमिली से बिलोंग करते हैं, वो लोग आपके सामने आ नहीं सकते. और दूसरी बात ये है कि ये नॉट ओनली लॉकडाउन, लॉकडाउन के साथ साथ अभी ये बारिश का तूफ़ानी बारिश हुई है, इसकी वजह से काफ़ी लोगों को और भी मार पड़ी है. अभी हम लोग इनिशिएट करेंगे इसके लिए, अभी आने वाले दिन में हमारी बात चालू कि लोगों के लिए जॉब का कुछ करें. तो अभी इस जॉब को रिलेटेड जयंत पाटिल साहब के पास मैंने TTC इंडस्ट्रियल स्टेट के एसोसिएशन, तलोजा इंडस्ट्रियल स्टेट के एसोसिएशन, ये दोनों को हमने जयंत पाटिल साहब के पास लेके गया और इनसे यही डिस्कस किया है कि सर नवी मुंबई में भी हालात ऐसे कि बहुत सारे इंडस्ट्रीज़ है हमारे पास लेकिन लोकल को जॉब नहीं है, तो लोकल को ऐसा कुछ किया जाए कि लोकल को कुछ कोटा पे जॉब दिया जाए. तो उनके सर एसोसिएशन से जयंत पाटिल साहब ने बहुत अच्छे से उनको समझाया कि लोकल को जॉब क्रिएट करो. अभी बहुत अच्छा उस पर सोल्यूशन निकलने वाला है लोकल को जॉब को लेकर. नवी मुंबई में लोकल जॉब का जो इश्यूज़ है, तलोजा हो या रायगढ़ हो या अपनी नवी मुंबई वाशी हो अप टू एरोली, यहाँ लोकल का जॉब का भी इश्यूज़ हम लोग सॉल्व करने वाले. ये सिर्फ अनाज बांटने का एक अभी इन्होंने एक प्लेटफॉर्म क्रिएट किया है, आने वाले दिनों में हम काफ़ी ऐसे काम करेंगे. अभी ताकत तो लोगों को काम करने से बढ़ेगी. अभी ये ज़रूरी नहीं है कि ये लीडर चला गया या वो लीडर चला गया, अगर कोई लीडर में वो क्षमता है, अगर मेरे में वो कैपेसिटी है कि मैं लोगों की मदद कर सकूं, अगर मैं किसी 100 में से 2 का भी काम कर जाऊं तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है. उनकी दुआ से अगर मैं कुछ बढ़ पाऊं, मेरा तो मकसद यही है कि लोगों की दुआ से मैं बनूं. तो जनरली अभी हम ये नहीं देख रहे राष्ट्रवादी है या कोई और अदर पार्टी है, मकसद हमारा ये है कि लोगों की मदद पहुँचनी चाहिए किसी भी फॉर्म में. तो माइनॉरिटी हमारी सोच में या समाज में रिलीजन है. मैंने आपको पिछली बार भी अभी थोड़े वक्त पहले ही कहा था कि भूख का कोई मजा भी नहीं होता, भूख माइनॉरिटी में नहीं आती है, भूख तो हर रिलीजन को लगती है, हर छोटे को लगती है, हर बड़े को लगती है. ये तो एक प्लेटफॉर्म है. हिंदू मुसलमान या मजहबी लड़ाई के अलावा हम लोग चाहेंगे कि पेट की लड़ाई लड़े, लोगों की तकलीफ की लड़ाई लड़े. इस लड़ाई पे अगर इस लड़ाई की तरफ अगर हम चलते हैं तो लोगों की बहुत सारी सेवा हो सकती है. ये मजहब लड़ाई तो कुछ पॉलिटिकल पार्टी कर ही रही है,
लेकिन उससे हिंदू मुसलमान करने से या मजहबी राजनीति करने से किसी का घर तो नहीं चल रहा है। अगर किसी ने बोल दिया कि इस लॉकडाउन में आपके घर में क्या है, कोई पॉलिटिकल पार्टी आके देखती है तो वो बड़ी बात है। तो हमारा मकसद यही है इस प्लेटफॉर्म में माइनॉरिटी का, यही है कि लोगों के घर की प्रॉब्लम हम सॉर्ट आउट करें, इंसानियत के लिए ही करा जा रहा है। देखो क्या हो जाता है, अभी कुछ ऐसे हमारे लीडर है, ऐसी तरीके से चल रही है कि इतनी नफरत फैला रहे कि हिंदू मुसलमान है। लेकिन आप लोगों से मैं एक चीज़ बताता हूँ कि कभी हम रोड से जा रहे हैं, कोई गाड़ी एक्सीडेंट होता है, कोई गिर जाता है, तो हमने कभी भी ये नहीं देखा कि वो हिंदू गिरा है कि मुसलमान गिरा है। हम पहले भागते कि वो आदमी को क्या मार लगा है, कि हमारे अंदर वो सिंपैथी है। हम इंडियन के अंदर ये बचपन से ये कि कोई जानवर को भी मार लगती है ना, हम भागते हैं। लेकिन कुछ पॉलिटिकली ऐसा हो रहा है कि हमको एक ही धर्म पे की राजनीति पे ला के रखते हैं। और ये धर्म की राजनीति जो है ना, ये ब्रिटिश ने देके गया हमको डिवाइड एंड रूल, वो तब से लेके आज तक वही चल रहा है डिवाइड एंड रूल, चाहे वो सेंटर में हों दो, स्टेट में हों दो या लोकल बॉडी इलेक्शन में हों दो। लेकिन इस राजनीति से जब तक हम बाहर नहीं आएंगे, हम हमारा भला नहीं कर पाएंगे। इसमें कुछ लीडर होंगे जो उनका ही भला होगा। सबसे पहले तो मैं पूरे मीडिया कर्मी का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने इतना कीमती वक्त यहाँ दिया। और ये जो है पहली मरतबा हम लोगों ने इसको NCP के प्लेटफॉर्म पे लिया। आपको बताता हूँ, जैसे इनकी NGOs, हमारी नवी मुंबई वेलफेयर एसोसिएशन, हम लोगों ने COVID-19 में, हमारे यहाँ ऐसा सिस्टम है कि एक हाथ दो दूसरे हाथ को मालूम नहीं होना चाहिए, ये अपना सिस्टम है एक्चुअली। क्योंकि अजीत दादा का बर्थडे था इसलिए हम लोगों ने उसको ये पब्लिसिटी, या आप अजीत दादा का बर्थडे मनाया जा रहा है ये लोगों तक पहुँचे, इसलिए हम लोगों ने इसको माइनॉरिटी NCP के बींग अध्यक्ष मैंने इनिशिएट लिया। मेरी पूरी टीम मेरे साथ है और सलीम सारंग साहब का इसमें बहुत कोऑपरेशन रहा।